इजी कुकिंग में आप सभी का स्वागत है। आज की रेसिपी है शाही चाट, जिसके लिए हमें लिए हैं बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स। तो चलिए देखते हैं इसके लिए हमने क्या क्या लिया है। सबसे पहले लिया है हमने कुछ सीड्स, किशमिश, ब्रोकली, कॉर्न, मशरूम, मखाने, काजू, बादाम, पनीर, गाजर और शिमला मिर्च। कढ़ाई में घी डाला है, आप चाहें तो बटर भी डाल सकते हैं। सबसे पहले अब इसमें हमने बादाम डाल दिया है, जिसे मैंने चॉप कर लिया था। इसे हल्का सा सौते करेंगे और इसे अब बाहर निकाल लेंगे। अब इसमें काजू ऐड कर दिए हैं, जिसे इन्हें भी मैंने काट लिया था बारीक बारीक। ये देखिए, इसमें इतना घी हो झाग हो गए हैं, जिससे मुझे इसे निकालने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, बट कोई नहीं। अब इसी घी में हम मखाने ऐड कर देंगे। इन्हें भी हमने थोड़ा सौते कर लेना है, ताकि ये थोड़े करारे से हो जाए। अब इसमें हम सीड्स ऐड कर देंगे। ये मैंने पम्पकिन सीड्स और सनफ्लावर सीड्स लिए हैं। अगर आपके पास ये नहीं है तो कोई बात नहीं, बिना इन सीड्स के भी आप बना सकते हैं। अब हमने जो काजू और बादाम भुने थे, इन्हें वापस से हम कढ़ाई में डाल देंगे और इन्हें एक बार फिर से हम अच्छे से चला लेंगे। अब इसमें हम अपनी सारी कटी हुई सब्जियां, ब्रोकली, कॉर्न्स मैंने पहले ही उबाल लिए थे, शिमला मिर्च, गाजर और मशरूम, इन सबको ऐड करके इन्हें हल्का से सौते करेंगे, मिक्स कर लेंगे, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स नीचे हैं तो वो कहीं लग ना जाए। इन्हें हम अच्छे से मिक्स करेंगे। ये रेसिपी ना खाने में इतनी टेस्टी लगती है और फुल ऑफ प्रोटीन एंड फाइबर्स है, तो बच्चों को भी बहुत पसंद आती है और उनकी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी रहती है। आप इसको बना के रख सकते हैं, बच्चों की जब कभी कुछ अच्छा सा खाने का मन करता है ना, तब आप उसे इन्हें बच्चों को खाने के लिए दे सकते हैं। अब इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग। नमक इसमें हल्का ही रखिएगा, ज़्यादा तेज़ नमक इसमें अच्छा नहीं लगता। हल्का सा चला के नमक इसमें मिक्स हो जाए, इसमें हम इसको हम थोड़ी देर चलाएंगे, ताकि सारी सब्जियों पे, नट्स पे नमक ठीक से स्प्रेड हो जाए। अब हम इसमें किशमिश ऐड कर देंगे। किशमिश को हमने भुना नहीं है, इसको हमने ऐसे ही डाला है, तो ये ऐसे ही अच्छी लगती है। तो चलिए अब इसको थोड़ी देर के लिए ढक देते हैं, ताकि जो हमारी सब्जियां हैं वो हल्की सी सॉफ्ट हो जाए। बहुत ज़्यादा हमें इसे सॉफ्ट नहीं करना है। चेक कर लेते हैं कि अब हमारी सब्जियां भी सॉफ्ट हुई हैं या नहीं। अभी नहीं हुई है, थोड़ी देर के लिए हम इसे और ढक कर रखते हैं। अब दोबारा चेक करते हैं, एक बार चला लेते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं। बहुत गर्म है भाई जी हाँ, सब्जियाँ हमारी गल चुकी हैं। अब इसे इस स्टेज पे हम इसमें पनीर ऐड करेंगे। पनीर मैंने पहले क्यों नहीं ऐड किया था, क्योंकि पनीर जो है ना, वो नीचे कढ़ाई में चिपक जाता है और जब हम उसे निकालने जाते हैं तो वो सारा ब्रेक हो जाता है, तो इसलिए पनीर हमने बाद में ऐड किया है। अब इसे फिर से थोड़ी देर के लिए ढक के रख देंगे। अब इसमें हम ऐड करेंगे चाट मसाला और थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर।
बस इसमें ज़्यादा मसालों की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। ये मैंने आधा नींबू का रस इसमें डाल दिया है। सब चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे और गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे। ये देखिए लग रही है ना कितनी टेम्प्टिंग। सारी चीज़ें हमने इसमें अच्छे से मिक्स कर लें ताकि नमक चाट मसाला सब अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए। अब इसे एक बाउल में निकाल लेते हैं। इसे बनाइए, खुद भी खाइए और बच्चों को भी खिलाइए। बहुत ही न्यूट्रिशियस है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।